कुछ और चाहिए क्या? बताओ क्या करूँ? हाँ हाँ वो कर सकते, आ रहे थे देखो। हाँ ठीक है, अभी देखो ये बहुत। मनोज उधर आओ। हाँ बस वहाँ मनोज, ठीक है। हाँ मैं अभी देखो आप कैसी करेंगे, देखना बट टेक कर लेना, आपको मिलेगा। हाँ पूरा मिलेगा, देखो 1 2 3 आओ बहन, ये और एक नीचे और ये झप 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 ये एंकर वेरी थोड़ा पेप यू नो, प्रसाद चढ़ाया था और भगवान से मांगा था कि अच्छा बॉयफ्रेंड अच्छे दोस्त मिले, और जब मुझे इतने अच्छे बॉयफ्रेंड अच्छे दोस्त मिले तो मैंने कहा कैसे कैसे मिले, तो बोलता जैसा प्रसाद चढ़ाया 35 का तो वैसे ही मिलेंगे ना, आप समझ रहे हो, 200-400 हज़ार का चढ़ाती तो और थोड़ा अच्छा हो जाता। बापुड़ी तो कल क्या चढ़ाऊं, तो कल आप क्या चढ़ाऊं, बोलता दूध चढ़ाओ, बहुत अच्छा। तो कल आप आदिल के फैमिली से मिले तो क्या कुछ रिस्पॉन्स आया, क्या कुछ कहना चाहोगे? रिश्ता पक्का है और क्या। रिश्ता पक्का? अरे दिल्ली दूर है, इतना आसान नहीं है। वो उनकी फैमिली है लेकिन वो रिश्ते के लिए नहीं थी, वो सिर्फ डिनर ही था। एक देखिए आदिल बहुत अच्छा लड़का है, वो धीरे धीरे हर अपनी फैमिली से एक 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 करके मिला रहे, वो रिश्ते के लिए नहीं था, उनको सिर्फ मुंबई में आए थे तो थोड़ा घुमा रहे फिरा रहे और एक डिनर किया है। जो मैं सोच रही थी वो तो बिल्कुल नहीं हुआ है। तो क्या कुछ बात, तुम क्या सोच रही थी? मंगलसूत्र पहना देंगे करके। मैं सोच रही मंगलसूत्र बनाओगे, शादी की बात करोगे, बड़ा घपा घप खरा खा रहे थे सब। आपकी फैमिली ने क्या कहा हाय हेलो किया, एक फोटो लिए और चले गए। क्यों? मुझे 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 एक सेकंड के लिए उन्होंने बहू नहीं बोला? इनको बहुत बहुत प्यार किया। बहू बोला जानू? बोला बोला मैंने सुना नहीं, बोला क्या जानू उन्होंने? तुम कहाँ थे इतने साल से? अच्छा ये बताओ तुम्हारी आंटी ने बहू बोला कि नहीं, बोलो ना। मुझे याद नहीं बोला क्या। हाँ बोला बोला। तो आप बहू बनोगे? हम दोनों ही अंधे हैं, हमारा प्यार ही अंधा है। आप बहुत जल्दी बहू बनने वाले हो क्या? आदिल के घर। अरे बाबू तुम्हारा बस चले तो अभी बहू बना दो, अभी माँ भी बना दो। यार इसको थोड़ा सवाल प्रैक्टिस करा दो पहले, बोले आदिल की बहू। तो आदिल की बहू ही होता है ना, मैं तुम्हारी बीवी मतलब बहू। अरे वैसा गंदा थोड़ी है, नाग ऐसी करता है। मैं तुम्हें डसू। रोज डसती तो रहती हो, कितने रोज दसी रहती हो? ओके जैसे कि आमिर और तुम रोज चूसते रहते हो मेरा खून। खून ना? हाँ आमिर खान की। यार ये बड़ा छोटू बहुत गंदा है भाई, बहुत गंदा है, देखो कुछ भी बोलता है। 7-8 साल से कहीं था पता भी नहीं, अभी आ गया है कुछ। बहुत गंदा तो बोलता है, मैंने कुछ नहीं बोला, मैं बूम है भाई जी। जैसे कि आमिर खान की मूवी को लाल चड्ढा को लोग ब्लॉक मतलब रिलीज नहीं होने दे। क्यों क्या किया? हां पता, ट्रेंडिंग चल रहा है, ट्रेंडिंग सोशल मीडिया पर बहुत कुछ मार रहा है। क्यों, रीजन क्या है? वो लंबी दाढ़ी बढ़ा दी और आमिर नहीं दिख रही, इसलिए पता नहीं। पर ऑडियंस मतलब कुछ लोग हैं जो कि चाहते हैं कि सिनेमा घरों में ना आए ये मूवी। रीजन क्या है, रीजन तो बताओ भाई। या आमिर खान को डर लग रहा है कि ये मूवी चले नहीं चले। नहीं आमिर खान कब से डरने लग गए? आमिर खान को बोलो डरने की क्या जरूरत है, मेरा फ्रेंड है आमिर खान। और लाल चड्ढा ना, लाल सिंह चड्ढी लाल सिंह चड्ढा कोई थे क्या? नहीं नहीं पता नहीं, कोई मंत्री वंत्री हो गए या कोई हमारे पुराने जमाने के रियल पर्सन के ऊपर है। देखो मुझे मालूम नहीं है, है मुझे मोदी जी के बारे में बोलो तो मुझे मालूम है ना, मुझे मोदी जी के बारे में बोलो तो मुझे मालूम है। और मैं और उनको और किसी को जानती हूँ, बापू के बारे में मालूम है।
मैं वल्लभ भाई पटेल जी के बारे में मालूम है, तो मुझे इनके बारे में नहीं मालूम है तो मैं क्या बोलूं, है ना? कंट्रोवर्शियल सीन्स हिंदुइज्म के बारे में, इसलिए अच्छा कंट्रोवर्सी के बारे में, कंट्रोवर्शियल सीन्स हिंदुइज्म के बारे में कुछ दिखाएं इसलिए बॉयकॉट कर रहे हैं। अच्छा नहीं, आमिर खान तो एक ब्रेव है, आमिर खान किसी से डरते नहीं है, उनकी फिल्में तो डेफिनेटली रिलीज होती है भाई। मैं तो नहीं बोलती, अगर कुछ कंट्रोवर्शियल है तो आप उसको काट दो सीन को और रिलीज करो। आमिर खान तो ब्रेव है, और आमिर खान की एक बार फिल्म आती है वो तो सबको मात दे जाती है, आसमान छू जाती है, नोटों की बारिश होती है। और आप बताओ, चलो बॉलीवुड के हीरो क्यों नहीं ज्यादा चल रहे और साउथ इंडियन हीरो क्यों ज्यादा चल रहे, बताओ क्या तुम लोग को मालूम है क्यों? क्योंकि बॉलीवुड के कुछ हीरो बहुत थोड़े ठरकी है, कुछ सब नहीं। बिल्कुल बताओ, मैं भी साउथ इंडियन हूँ इसलिए बताओ बताओ, बताओ। जानो तुम तो मेरी जानो जानो, बताओ साउथ इंडियन के बारे में अच्छा कुछ बोलो, पकड़ो पकड़ो भाई पकड़ो। साउथ के हीरो इसलिए अच्छे होते हैं, पोलाइट होते हैं, शांत होते हैं, सूट बूट पहन के बाहर नहीं निकलते, जैसे घर में होते स्लीपर पहन के बाहर निकल जाते। मेरे जैसे मैं स्लीपर पहन के आया था एक शो में, याद है? यार तुम मुझे बोलने तो दो, हर चीज मेरे जैसे, हर चीज मेरे जैसे। मैं साउथ इंडियन हूँ ना इसलिए। हाँ तुम तो मेरी जान हो, मेरा मैं भी चप्पल पहन के घूमता हूँ, तुम तो मेरे दिल की धड़कन हो पापा, मेरी जान। तो क्या है ना, साउथ वाले हीरो जो है ना वो अरबों खरबों इतने पैसे कमाते हैं, लेकिन वो आप उनके घर में जाके देखो, बीवी बच्चों के पास रहते हैं, ज्यादा गर्लफ्रेंडों के पीछे भागते नहीं है, इतने शरीफ हीरो है साउथ के, अपनी बीवियों को सताते नहीं है, बीवी घर में है बच्चे घर में है उनको घुमाने फिराने लेके जाते हैं और उनके साथ ईमानदारी से रहते हैं। घर में बीवी घर वाली बाहर वाली बिल्कुल नहीं करते हैं, हीरोइन नहीं आ गई तो उसको नैन मटक्का करके अफेयर नहीं शुरू कर देते हैं। हमारे कुछ बॉलीवुड के हीरो है ना ऐसा करते हैं, शादी हो जाती है उसको कोई आगे बढ़ा देता है, उसको छोड़ देते हैं और दूसरी हीरोइन आ गई, उसका शिकार करके आगे बढ़ जाते हैं। अभी बोलो मैं भी हूँ क्या, अभी बोलो मैं भी हूँ क्या, अभी बोलो मैं भी हूँ क्या। इतना सब बोलने की वजह ये बोल दो कि आदिल जैसे हैं, होगी बात खत्म, मैं भी ऐसा ही तो। तुम ऐसा नहीं है, तुम मेरा इस्तेमाल कभी नहीं करोगे, मैं चप्पल पहन के आया हूँ, मैं चप्पल पहन के शो में आया, प्यार हो तुम मेरे साथ ऐसा कभी नहीं कर सकते, चप्पल पहन के शो में आया हूँ। नहीं नहीं अभी बीच में काटो मत। तो क्या है ना, तो क्या है ना कि वो शरीफ है साउथ के हीरो, अपनी बीवी कैसी भी हो, दो बच्चे की माँ तीन बच्चे की माँ, लेकिन वो घर निभाते हैं। चाहे आप अल्लू अर्जुन देखो, चिरंजीवी देखो, जितने भी हीरो है देखो, हाँ महेश बाबू ममूटी जितने भी हीरो देखो, रजनीकांत सर, ये अपनी बीवियों बच्चों को नहीं छोड़ते और बाहर जाके मुंह भी नहीं मारते, इसीलिए इनकी बीवियों की दुआ लगती है और ये सुपर डुपर मेगा स्टार बनते हैं। यहाँ पे तो एक हीरोइन आती है हमारे, मैं बॉलीवुड की बुराई नहीं कर रही हूँ, मैं उन स्टारों की बुराई कर रही हूँ जो बीवी घर में होते हुए भी बाहर जाके मुंह मारते, और आमिर खान की तो बिल्कुल बात नहीं कर रही मैं। मैं मुझे नहीं मालूम, आमिर खान की फिल्म चलती है लेकिन, तो आप समझे, और मेरा आदिल तो शरीफ है भाई, बहुत अच्छा और साउथ इंडियन हो, और साउथ इंडियन है तो मेरा साथ जरूर निभाएगा, पापा निभाओगे ना जी, और मैं चप्पल पहन के शो में आया था, दिखाओ तुम लेके गई तो एक दिन चप्पल पहना था मैं, आदिल साथ निभाना मेरे, आदिल साथ निभाना, छोड़ के ना जाना, कौन सा ना
नाग पंचमी है तो ये मेरे आदिल मेरे नाग है और मैं इनकी नागिन। अरे भाई जल्दी दूध पी लिया है जो शायद नाच डांस कर। कॉपी कैसे हो जाएगा? ए तुमने पीछे से गाना ऐसे भी डाल दिया फालतू के। ठीक है चलो जानी। सासू जी तूने मेरी कदर न जानी।